हाय गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। मजा आया आज निफ्टी बैंक निफ्टी में। देख लो, सबसे पहले बताया था बैंक निफ्टी में तेजी होगी, 25,527 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। क्या हुआ उसके बाद? आज बाजार नॉन स्टॉप खुला, 527 के ऊपर गया और उसके बाद धीरे 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 ऊपर 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 ऊपर। तो गाइज, ये है हमारा निफ्टी फ्यूचर का चार्ट, जिसमें आज की क्लोजिंग जो हुई है वो लगभग 25,786 के आसपास हुआ है। ये एक फैंसी नंबर है। तो जब मार्केट में एक फैंसी नंबर आता है, तब एक मार्केट में अचानक से एक हर्डल काम करता है। तो इस बार हम लोग फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग करेंगे 25,847 के ऊपर, राइट? तभी बाय करेंगे, फ्रेश राउंड ऑफ बाय तभी करेंगे, जो कि हमारा 25,970 और 25,147 तक काम करेगा। पहली चीज़ ये ध्यान रखना। दूसरा, बाजार में मैं पैनिक का 100 पॉइंट के लिए कुछ भी गेम नहीं करूँगा गाइस, बिकॉज 100 पॉइंट के लिए गेम करना ना थोड़ा प्रोफेशनलिज्म शो नहीं करता। इफ़ यू आर अ ट्रेंड राइडर तो आपके लिए 100 पॉइंट कुछ मायने नहीं रखते। नीचे आएगा बाजार लगभग 25,670 से लेके 25,627 तक की रेंज में हम लोग बाइंग करने की सोचेंगे, राइट? नीचे में वेरी क्रूशियल सपोर्ट, सेम लेवल 25,527 एंड 25,470 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। एनी डिक्लाइन पैनिक सेशन वी विल बाय बिटवीन दिस लेवल। गाइज, अपसाइड में एक बात का ध्यान रखना है, 26,147 के पास जाकर बाजार मुड़ने की कोशिश करेगा। ध्यान रखना मेरी बात को, इसको अगर 26,147 के ऊपर बाजार क्लोज हो जाता है, 2 कंसेक्यूटिव क्लोज यानी लगातार प्लस वीकली क्लोजिंग, तो ध्यान रखना मेरी बात, कपड़े टाइट करके बैठ जाना। और इफ़ यू आर अ शॉर्टर तो आपकी लगाने वाला है मार्केट, ध्यान रखना, क्योंकि निफ्टी में देर इज़ नो साइकोलॉजिकल लेवल। 27,000 यानी 27 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, ध्यान रखना, एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन 27,000। तो 26,000 के आसपास मुझे नहीं लगता इतनी पैनिक सेलिंग आएगी या नहीं आएगी, मुझे उस बात से का थोड़ा सा डाउट है, 10% चांस है कि 26,147 के पास आएगी। लेकिन 26,000 के आसपास बाजार रुकेगा तो इसका मतलब ये है कि आगे और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है, राइट? तो गाइज, सबसे पहले आप लोग खुद सोचो कि मैंने जो लेवल दिया, आप नोट करना मेरे लेवल्स में, जो मैं सपोर्ट दूंगा बाजार वहीं से लोअर टारगेट से ही मुड़ेगा, जो मैं हाईर टारगेट दूंगा वहीं से ही बाजार बार बार मुड़ेगा। तो आज सुबह यही हुआ, अचानक से मार्केट ने क्या किया, अपना टारगेट लगाया और वहां से अचानक से 200 पॉइंट का शार्प फॉल दिया और सेम लेवल की तरफ आया 25,527। गाइज, मेरे लेवल्स को आपको नॉर्मली नहीं सोचना, ये लेवल्स जिस तरीके से मैं निकालता हूँ ना, मैं अगर आपको सिखा दूँ तो आप जीवन में कभी किसी दूसरे बंदे को ये टेक्निक सिखाओगे नहीं। उसका रीज़न ये है कि इतना बड़ा सीक्रेट मार्केट में आपकी आंखों के आगे है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो यही चीज़ है, ये चीज़ मैंने टर्मिनल से ग्रैब की थी 6-7 महीने बाहर बैठ कर, जब मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी को इंडेक्स में ये चाल देखनी स्टार्ट की थी। तो राइट, आने वाले टाइम में मैं इसके बारे में थोड़ा एक हिंट दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। राइट, यहाँ से चलते हैं हम डायरेक्ट बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 55,596 के आसपास, 53,596। तो लोअर साइड में मैं जो आपको बता रहा हूँ, लोअर साइड में हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा वो 53,356 और 53,156 की तरफ रहेगा, राइट? पैनिक सिनेरियो में हम बाय करेंगे, हम 200-300 पॉइंट के लिए काम नहीं करेंगे। यहाँ से सपोज करो बाजार कल 53,656 के ऊपर रुकता है तो नॉन स्टॉप बाजार 54,156 की तरफ चलेगा। गाइस, ये ध्यान रखना है, इसके बाद बाजार में एक नई तेजी की स्टार्टिंग हो जाएगी जो कि इस बाजार को खींचेगा 54,856 तक और 55,256। ये ध्यान रखना, ये रेंज क्रूशियल रहेगा, इस रेंज के आसपास से ही सारा गेम प्लान सेट करेंगे। दूसरी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, मार्केट अगर नीचे की साइड में आता है तो पैनिक नहीं होना, 200-300-400 पॉइंट का अगर आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, स्लोली अगर आप पोजीशन बना सकते हो तो इस टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना है। एनी डिक्लाइन पैनिक सेशन विल थिंक ओनली फॉर द बाय, देयर इज़ नो नीड टू मेकअप द सेल कॉल।
राइट जो लोग 200 SMA और ये सब का टेक्निकल का इस्तेमाल करते हैं वो बोलेंगे कि मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हो गया है, बट ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। कल भी आप लोगों को एक लॉजिक बताया था कि सितंबर मंथ में बाजार तेजी रहेगा, और ये तेजी में पहले से ही भाप गया था क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ये तेजी होने का एक रीज़न। आपको मैंने थर्सडे की डेट दी थी या फिर मंडे की डेट दी थी, वो आप लोग चेक कर लेना, राइट। तो जाते जाते आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ कल मैंने आप लोगों को स्टॉक्स दिए थे, याद हो आपको, उसमें था हैवल्स। हाँ, हैवल्स देखो क्या किया, रॉकेट। क्या बोला था मैंने, 2027 के ऊपर भागेगा। देखो भागा ना, दूसरा देखो भागा, अब देखो दूसरा, देखो दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था जुबली, जुबली बताया था ग्रैप एट ओपनिंग बेल। ओपनिंग बेल क्या था, 696। उसके बाद क्या रहा, ये देखो 707 की तरफ ये गया। दिस इज कोल्ड प्योर मैजिक। मैंने कैसे डिसाइड किया ओपनिंग बेल पे बाय करना है, और नीचे की साइड में आप लोगों को मैंने एक सपोर्ट भी प्रोवाइड किया था। तो गाइज आज कौन सा स्टॉक चलेगा, व्हाट नेक्स्ट नाउ, मैंने आप लोगों को कोलपाल बताया था, कोलपाल में सडनली प्लान चेंज हुआ है, तो हम कोलपाल की तरफ नज़र रखेंगे। लास्ट के 45 मिनट्स में ज़बरदस्त बाइंग सेलिंग का आप लोगों ने देखा होगा मूड, तो हम देखेंगे कि आज सबसे ज़्यादा कौन सा स्टॉक में चाल आई। सबसे ज़्यादा चाल आई हमारे एस्कॉर्ट में, ठीक है, राइट। हम यहाँ से M&M, एस्कॉर्ट, हैवल्स और यहाँ से नौकरी। तो सबसे पहले हम नौकरी इन्फो एज देखेंगे। जो क्लोज हुआ है वो 8106 के आसपास हुआ है, ये नौकरी का चार्ट है गाइस, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे 8127 इफ़ क्रॉस देन नॉन स्टॉप रैली विल बी 8270 एंड 8327, राइट। सबसे पहले ये जान लो। दूसरा, लोअर साइड में सपोर्ट रहेगा इसका 8070 का, राइट। तो इसका ध्यान रखना, M&M में ध्यान रखना, M&M में लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो चुका है, और ये भी वही उसी कंसेप्ट पे है, ग्रैप एट ओपनिंग बेल इफ़ यू आर लो एंड हर्ट अबोव 2947 आवर टारगेट विल बी 3070 एंड 3127। तो ये ध्यान रखना है गाइज, आपने ये जो मैंने M&M सेलेक्ट किया है वो देखना है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, और आपने ग्रेनुल्स की तरफ ध्यान रखना है, और आपने ABB की तरफ ध्यान रखना है, गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर काम करना है। जिनमें ध्यान रखने के लिए बोला है उनमें ध्यान रखना, कुछ ना कुछ बड़ी चाल होगा। और यहाँ पे आपको गोदरेज प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूँ, गोदरेज प्रॉपर्टी सेम थिंग, ग्रैप एट ओपनिंग बेल अबोव 2987 विल फायर अप टू 3047 एंड 3070। ये ध्यान रखना, लोअर साइड की सपोर्ट है 2947, ठीक है, इस सपोर्ट का आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक और बात, कुछ लोग बोलेंगे ये लेवल्स कैसे निकालते हो, तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो एक बात, ये लेवल्स निकालने का फंडा मैं न्यूमरोलॉजी से इस्तेमाल करता हूँ। आई टेक ओनली 30 सेकेंड्स, किसी भी रैंडमली स्टॉक पिक करता हूँ, कभी भी मैं एनालाइजिंग नहीं करता। हाँ, ये जो स्टॉक स्पेशली मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी और ये सब क्यों निकाले, क्योंकि लास्ट 45 मिनट्स का मैं बिहेवियर देखता हूँ, ये एक टेक्निक है गाइज, तो जिस टेक्निक का मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, थैंक यू फॉर गिविंग मी ह्यूज रिस्पॉन्स फॉर माई प्रॉफिट प्रथम प्रोग्राम। टुडे इज़ दी लास्ट डे गाइज, एंड यू कैन ईजिली ज्वाइन द प्रॉफिट प्रथम प्रोग्राम। थैंक यू फॉर गिविंग मी वंडरफुल रिस्पॉन्स। अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रैप दी अपॉर्चुनिटी तो आइए मुझसे मिलिए, मैं आपको सिखाऊंगा वो सटीक तरीका प्रॉफिट प्रथम के प्रोग्राम में, जहां आप इजी स्टेप बाय स्टेप मार्केट से पैसा बना सकते। सबसे बड़ी बात है गाइस मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन एंड परफेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन सही है और एग्जीक्यूशन प्लान सही है, तो आप अगर तुक्का भी मारोगे तब भी पैसा बना लोगे।
प्रॉब्लम क्या है पता है, आप लोग 30 दिन में से 25 दिन तुक्का मारते हो, तुक्के में 5 दिन आप पैसा कमा लेते हो, लेकिन वो 5 दिन पैसा कमाने के बाद आपको लगता है आपका तुक्का 20 दिन भी चलेगा, और 20 दिन आप मार्केट में वापस से पैसा देकर जाते हो। तो पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके पास सही स्टॉक सिलेक्शन है और राइट एग्जिट प्लान है और राइट एग्जीक्यूशन प्लान है, चाहे आप तुक्का मार लो तब भी आप पैसा नहीं खोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास राइट एग्जिट प्लान है। आपको पता है अभिमन्यु को इतिहास में क्यों जाना जाता है? क्योंकि उसके पास एग्जिट प्लान नहीं था, वो चक्करव्यूह में तो घुस गया। स्टॉक मार्केट इज़ द सेम थिंग, आप चक्करव्यूह में घुस गए लेकिन इसके में एग्जिट प्लान आप लोगों को पता ही नहीं है। व्हाई आई एम ग्रोइंग? बिकॉज आई हैव अ प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लान, आई हैव अ प्रॉपर एग्जिट प्लान। अगर आप सही तरीके के एग्जीक्यूशन और एग्जिट प्लान को सीखना चाहते हो तो आइए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने प्रॉफिट प्रथम प्रोग्राम में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सैटरडे 11 AM, डोंट मिस, 4 आवर क्लास, स्लोली स्लोली पढ़ेंगे। लॉजिक को आपके माइंड में घुसाना है मुझे, आपको ये 4 घंटे टाइम पास करा के नहीं भेजना। इसके बाद 45 डेज हैंड होल्डिंग सपोर्ट रखूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपसे कोई गलती हो, मैं चाहता हूँ मेरे लॉजिक का फ़ायदा आप भी उठाओ। अगर आप कुछ ट्रेडिंग में करना चाहते हो तो इस सेमिनार को ज्वाइन करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू बिलीव ऑन टेक्निकल एनालाइज तो भाई मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं ए से लेके जड़ तक सब चीज सिखाऊंगा, लेकिन टेक्निकल एनालाइज। भाई लोगों की आपसे एक शिकायत है। क्या भाई? लोग कहते हैं कि अब तो आप भी कोर्स लेने लग गए। तो फिर तो भाई मतलब आप तो हमेशा से ही बोलता था मैं तो विद्या नहीं बेचूंगा। तो भाई इस बात का आंसर मैं तुझे नहीं, इस पूरी ऑडियंस को देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने कब बोला कि आपको मैं विद्या बेच रहा हूँ? दूसरा पॉइंट, मैंने आपको कब बोला मेरा पेड कोर्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिए? तीसरा पॉइंट, मार्केट में सभी लोग क्या कर रहे हैं, वो खुद पैसा कमाने के लिए गलत गलत स्ट्रैटेजीज बनाकर आपको बेच रहे हैं। मतलब मेरी ही ऑडियंस में से मुझे बहुत बुरा लगा जब आप दूसरे लोगों से 1-1 लाख 2-2 लाख का कोर्स करके और मेरे पास आ रहे हो, बोल रहे हो उन्होंने 2 लाख रुपये हमसे ले लिए और कोर्स में कुछ सिखाया नहीं। सो आई डिज़ाइन वन प्रोग्राम जस्ट बिकॉज ऑफ सेम प्रॉब्लम, कि आप लोग इस छोटी सी अमाउंट में ना मैं आपको वो मार्केट का भरमास्तर दूं, जिसके बाद आपको किसी दूसरे ट्रेनर की ज़रूरत ना पड़े। तो गाइज, प्रॉफिट प्रथम प्रोग्राम में मैं ट्रेड लैंग्वेज की बात करता हूँ, ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ। आखिर ट्रेड लगाते वक्त हमें किस तरीके का माइंड मेकअप रखना चाहिए, आखिर सही एग्जीक्यूशन करने का तरीका क्या है। और सबसे मेजर रीज़न है ये प्रोग्राम लाने का, बिकॉज अगर आपके अंदर क्वालिटी है मेरे जैसी, लॉस कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी क्वांटिटी करते हो कोई दिक्कत नहीं, अगर लॉस में काटना आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो आपका लूजिंग पॉइंट है ना डैट इज़ कॉल्ड द क्वालिटी, बस उसको पहचानो, मेरे साथ जुड़ो, मुझे बताओ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आई विल फाइंड द बेटर क्वालिटी ऑन यू एंड विल टेल यू द राइट सॉल्यूशन हाउ यू कैन मेक ओवर योर सेल्फ इन ट्रेडिंग। अगर ट्रेडिंग में कुछ जबरदस्त करना चाहते हो ना गाइज, तो एक बात का ध्यान रखना, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज़ है एग्जिट प्लान। अगर आपको एग्जिट प्लान आता है तो आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुक्का भी मारा तब भी आप पैसा कमा लेंगे। आप तुक्केबाज बनना चाहते हो या मेरे की तरह मुक्केबाज, तो आप मुझे बता देना, जम के मार्केट में पैसा बनाना है ना तो आओ मुझसे मिलो प्रॉफिट प्रथम प्रोग्राम में 21 सितंबर, डोंट मिस। Today is the last day. Link in the description below. Don't miss. Register now. Thank you so much. Jai Hind.